चौथे चरण को लेकर चुनाव प्रचार जो है शाम तक थम जाएगा। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जगह जगह पर जनसभाएं की जाएगी, क्या कुछ जानकारी है जनसभाओं को लेकर? उसको लेकर अगर बात करें तो सभी पार्टियों ने जहां अपनी ताकत झोंक दी है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल तक काम किया है। और अगर बात करें तो आने वाले जो 5 साल है वो भाजपा को फिर से मिले, इसके लिए लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। और आज की अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरदोई रायबरेली और लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर हरदोई की बात करें तो शाहबाद विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके अलावा जो मल्लावा विधानसभा है हरदोई की, वहां पर जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। उसके अलावा अगर बात करें रायबरेली में जो सरेली विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके अलावा वछरामा की हरचंदपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। उसके बाद लखनऊ में भी इनकी 2 जनसभाएं हैं, जो कि अगर बात करें तो पूर्व विधानसभा के लिए मुंशी पुलिया के पास है, ये यहाँ पर जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर विधानसभा के लिए करीब 4:25 पर मलियाव थाना क्षेत्र में है सीतापुर रोड पर, वहां पर जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। कुल 6 उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 6 वो होनी है, हरदोई रायबरेली और लखनऊ, जिसको लेकर तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। हालांकि चौथे चरण का 23 तारीख को मतदान है वो होना है, और तीसरे चरण के मतदान के बाद अब चौथे चरण के मतदान पर नजर रहेगी। और जिस तरीके से ये 3 चरण के मतदान हुए हैं उससे कहीं ना कहीं सभी पार्टियां उत्साहित हैं। अगर खासतौर पर भाजपा की बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं उत्साहित है। अब ये देखना होगा कि जब नतीजे आएंगे तो वो किसके पक्ष में आते हैं, लेकिन जरूर है चौथे चरण का मतदान होना है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर लेगी। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज पूरे उत्तर प्रदेश में 3 जिलों में 6 जनसभाएं हैं, उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल रवि, बीजेपी द्वारा तो तमाम कोशिशें की जा रही है, पुरजोर लगाया जा रहा है, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर? हाँ देखिए, विपक्ष की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर सामने है, वहीं कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है और आम आदमी पार्टी भी सक्रिय नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। हालांकि और पार्टियां भी हैं, लेकिन अगर बात करें तो बड़ी पार्टियों की अगर बात करें तो जैसे कि चर्चाएं हैं कि भाजपा और समाजवादी पार्टी की आपस में टक्कर है, वहीं बीएसपी और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। हालांकि जरूर है कि जब नतीजे आएंगे तो वो साफ करेंगे कि किसको कितनी मजबूती मिली इस चुनाव में और किसको कितना जनता ने समर्थन दिया है। उसके लिए नतीजों को तैयार करना पड़ेगा। जरूर है कि सभी पार्टियां हैं, उन्होंने ताकत झोंक रखी है। भाजपा की तरफ से जो तमाम सारे जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार में देखे जा रहे हैं। और आज फिर वो उत्तर प्रदेश की 6 विधानसभा जो है वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल रवि, क्योंकि चुनाव प्रचार थम रहा है और ऐसे में अगर जनता की मूड की बात की जाए तो क्या फिलहाल इन जगहों पर जनता का मूड भापा जा सकता है? देखिए, जाहिर है अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जनता में विश्वास दिलाने की कोशिश होगी कि 5 साल जो सरकार ने काम किया और अगर 5 साल और जनता उनको देती है तो किस तरीके से और बेहतरी के साथ उनके लिए काम किए जाएंगे। तमाम सारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर ही कहा जा रहा है। बिजली की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, रोजगार देने की बात हो रही है, तमाम सारे विषयों को लेकर बात की जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा की तरफ से बहुत जो काम किया गया है वो भी सामने, हालांकि जनता को तय करना है कि जो 5 साल काम किए गए हैं या पूर्व में जो सरकारें रही, चाहे समाजवादी पार्टी की रही। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।